मेरे प्यारे मित्रों, आप सबका मेरे चैनल होम एस्ट्रो चैनल में हार्दिक स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर ओम प्रकाश महाजन, होम एस्ट्रो चैनल इन यूट्यूब। जो कुछ मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा, ये सब मेरे 40 साल के तजर्बे का एक नतीजा है। मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूं, क्या आपका घर बनेगा, आप पामिस्ट्री के द्वारा कैसे जाने कि आपके घर के योग हैं या नहीं, आपको भूमि के योग हैं या नहीं। सो माय डियर फ्रेंड्स, यदि आपने अपने घर संबंधी योग देखने हैं तो कौन सी लाइंस देखनी है, कौन कौन से साइंस देखनी है, आओ हम जाने। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है हमारा मंगल पर्वत। ये हमारा मंगल पर्वत है, जे अपर मास और जे लोअर मास। अपर मास और लोअर मास, जो मैंने अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में ये देखा है, इनमें अच्छे साइंस का होना बहुत जरूरी है। यदि ये पर्वत प्रॉपर तरीके से उभरा हुआ है, न ज्यादा उभरा हुआ है न ज्यादा दबा हुआ है, प्रॉपर तरीके से विकसित है तो अच्छा योग है। इसी तरह से देखना चाहिए, जे जातक का हाथ गुलाई लिए होना चाहिए, उभार लिए होना चाहिए, ज्यादा दबा हुआ नहीं होना चाहिए। मैं साइंस की बात करते हैं, जो मैंने साइंस देखे हैं इसमें महत्वपूर्ण साइंस, नंबर वन इज ट्रायंगल। यदि इस पर्वत में या इस पर्वत में ट्रायंगल है तो ये आपके भूमि संबंधी कामों के लिए बहुत ही बढ़िया है। जो लोग प्रॉपर्टी डीलर का काम करना चाहते हैं, रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उन मेरे बंधुओं को अपना मंगल पर्वत देखने होंगे। यदि इनमें ट्रायंगल्स या वर्ग का चिन्ह हो, स्क्वायर वर्ग, जहां जिन दो पर्वतों पर ट्रायंगल या वर्ग का चिन्ह बहुत ही उत्तम है, ऐसे जातक प्रॉपर्टी डीलर के काम, रियल एस्टेट के काम, इनका घर अवश्य ही बनता है। नेक्स्ट इज शुक्र पर्वत, जो कि हमारी लग्जरी का कारक है। शुक्र पर्वत ये आपके लाइफ लाइन के साथ, आपके लाइफ लाइन गुलाई लिए होनी चाहिए ताकि शुक्र पर्वत मुख्यतः लग्जरी का कारक है। जहां पर भर्ग का चिन्ह कई प्लाट देता है। मैंने कई ऐसे हाथों का अन्वेषण किया है, कई ऐसे हाथ देखे हैं जिनके शुक्र पर्वत नॉर्मल रेज था, ना ज्यादा दबा हुआ था ना ज्यादा विकसित था, अपना पूरा साइज, अपना पूरा लेवल उसका ठीक था, नॉर्मल लेवल था, उसमें स्क्वायर का वर्क था और जीवन रेखा पूरी गुलाई लिए हुए थे। ऐसे जातकों के पास कई प्लॉट थे और रियल स्टेट में कामयाब हुए। सो शुक्र पर्वत और लाइफ लाइन जरूर देखनी है, लाइफ लाइन के अच्छे पोजिशन, लाइफ लाइन में कट ना हो, लाइफ लाइन जितनी साफ सुथरी होगी और आपके शुक्र पर्वत पर भर्ग का चिन्ह ये इंडिकेट करता है कि आपके पास कई प्लॉट हो सकते, घर अवश्य आएगा। इसके अलावा आपने अपनी जीवन रेखा देखनी है, जीवन रेखा में स्क्वायर और जीवन रेखा में ट्रायंगल है तो आपका घर का सुख जरूर बनेगा, आपका घर जरूर बनेगा, बशर्ते कि आपके लाइफ लाइन में ज्यादा कट नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट इज आपने देखनी है आपके हेडलाइंस, हेडलाइन में भी बनने वाले वर्ग के चिन्ह या ट्रायंगल्स, ये इसमें बहुत ही उपयोगी हैं। यदि हैं तो आपको प्लाट भूमि संबंधी सुख की पहल, भूमि संबंधी सुख मिलेगा। नेक्स्ट इज लक लाइन में भी आपने स्क्वायर देखना है। लक लाइन्स में यदि वर्ग है तो आपको भूमि संबंधी सुख अवश्य मिलेगा। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट इज मून, एरिया ऑफ मून देखना है। मून भी हमारी प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है, जहां पर भी वर्ग का चिन्ह
और ट्रायंगल का चिन्ह, ये बहुत ही उपयोगी है। एक जातक का मैंने कल ही देखा, वर्क डेवलप हो रहा था। मैंने उनसे पूछा कि कोई प्रॉपर्टी वगैरह, कोई ऐसी हिडन प्रॉपर्टी तो नहीं मिल रही? उनका हाँ सर, मुझे एक प्रॉपर्टी का जोक बन रहा है जो मेरे पैतृक संपत्ति फ्रॉम नाना जी मुझे मिल रही है। तो सचमुच इन रेखाओं का कमाल होता है कि आप जरूर एस्ट्रोलॉजी और पामिस्ट्री सीखें, उनसे देखें कि आपके हाथों में ये जोक है या नहीं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैं चाहता हूँ हर जातक इसके साथ जुड़े, जाने अपने एस्ट्रोलॉजी और पामिस्ट्री, उसे गाइडलाइन ले, अच्छे कर्म करते रहें। इससे लाइंस बदलती हैं, साइंस बदलते हैं। यदि आपके अच्छे साइन है, मेहनत करें, मेहनत ही जो है आपके सफलता का आधार है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।